ये मंडी का सुबह सुबह की सब्जी मंडी का सीन है और पूरी भीड़ है इस टाइम, हजारों लोगों की भीड़ है मंडी में, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। पूरे दिन फतेहाबाद शहर में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी अकेले सब्जी मंडी में सुबह के टाइम होती है। ये देखिए कितनी भीड़ है और हर जगह भीड़ है, हजारों लोग आपको मंडी में दिख जाएंगे सुबह के टाइम पे। जो ये पूरा दिन देखिए मास्क तक भी नहीं है, पूरा दिन ये ऐसा मंडी में हाल चल रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर और 11 बजे तक मंडी में इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, स्ट्रीट मेल टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर आपका नाम? पीके मेहता। सर जैसा कि अभी पता है कोरोना की वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप इस लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस लॉकडाउन से पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में और पूरे फतेहाबाद में किस तरह का इसमें पालन हो रहा है और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है इस लॉकडाउन का? सी दिस लॉकडाउन इट हैज़ बीन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये केवल फतेहाबाद में नहीं पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। दिल्ली में आप देखिए वहाँ चल रहा है। गवर्नमेंट का जो मकसद है, इरादा है, बहुत अच्छा है। नाउ हाउ दीज पीपल दे आर रिएक्टिंग, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। मैं पूरे देशवासियों को पहली बात ये कहना चाहूँगा, इस लॉकडाउन में पुलिस विभाग का सहयोग करें, पुलिस के भाइयों को कंपेल ना करें कि वो एक एक आदमी को आके कहें आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। वो हमारी सहायता के लिए हैं और उनको कंपेल ना किया जाए कि पुलिस वाले आपका चालान काटें। सी यदि आप, मैं, ये भाई मास्क लगाते हैं, फ़ायदा किसका है? हमारा। और ये कॉमन सेंस की बात है, चाहे कोई आदमी पढ़ा लिखा है, मंडी में हम इतने लोग देख रहे हैं, रिक्शे वाला खड़ा है, सभी को पता है ये जो वायरस है, कोरोना है, ये हवा में है, एयर में है। हर एक आदमी मास्क लगाता है, 50% समस्या का समाधान वहाँ हो जाता है। नंबर वन। नंबर टू, मैं DGP हरियाणा मिस्टर मनोज यादव, जो कि फतेहाबाद के पहले SP रहे हैं, मेरे अच्छे वाकिफ भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये चीज़ बजाय इसके कि पुलिस जो है उनको, लोगों को हैरास करी है, जनता को ये समझाएं कि भाइयों बहनों, गांव में बैठे देशवासियों, यदि आप मास्क लगाते हैं फ़ायदा आप ही का है, उसके लिए पुलिस को कंपेल ना किया जाए। तो हम ये सोचते हैं कि 500 रुपये का फ़ाइन लगा दो। सर हर एक चीज़ का हल फाइन नहीं होता। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले लोग स्मोकिंग करते थे, फाइन 100 रुपीज़। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करेंगे, मे बी ए पार्क, मे बी रेलवे स्टेशन, मे बी हॉस्पिटल, मे बी एनी अदर पब्लिक प्लेस, इफ़ यू आर फाउंड स्मोकिंग यू हैड टू पे फाइन 100-200। पुलिस वाले कहाँ कहाँ किस किस को पकड़ के फाइन लगाएंगे? उनकी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं। तो जनता यदि खुद समझ जाए कि स्मोकिंग करने के क्या नुकसान हैं, स्मोकिंग ना करे, तो पुलिस का काम आसान हो गया। ठीक वैसे ही इन हालातों में पूरे हरियाणा नहीं, मैं हिंदुस्तान की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप खुद एक 10 रुपये का मास्क लीजिए, यूज़ इट, व्हाट फॉर, इट्स इन योर इंटरेस्ट, आपको कोरोना आपके आसपास नहीं आएगा। नंबर टू, गो फॉर योगा। पीछे मैं बाबा रामदेव जी का इंटरव्यू सुन रहा था, ही सैड यदि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, श्वास लेने का छोड़ने का सिस्टम अच्छा है, आपको कोरोना नहीं होगा। मैं खुद सुबह उठ के आधा घंटा एक घंटा योग करता हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट मुझे कोरोना नहीं होगा। तो जितने भी देशवासी हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहने भाई, चाहे कोई दिल्ली में बैठा है, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बैठी हैं, या अपना CM दिल्ली मिस्टर केजरीवाल हैं, इन सभी को मेरी गुजारिश है वो इस मौके पे पॉलिटिक्स ना करके TV पे आके ऐड के बहाने आना, करोड़ों रुपए दिल्ली वालों के खर्च कर देना। मिस्टर केजरीवाल आप ये सुझाव PM साहब को डायरेक्टली भी दे सकते हैं
इसके लिए टीवी पे आने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली वालों के करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। रही फतेहाबाद की बात, मैं भी सुबह से देख ही रहा हूँ, कई दिन से देख रहा हूँ, यही मंडी का देख लो, लोग घूम रहे हैं। मंडी में तो कोई मुझे लग रहा नहीं लॉकडाउन का कोई असर है। हाँ डेफिनेटली, देखिए गवर्नमेंट अपनी ओर से स्टेप ले सकती है, गवर्नमेंट के पास ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक 100 बंदों के ऊपर 10 पुलिस वाले खड़े और 4 पुलिस वाले। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको आवश्यकता है आप बाहर आइए, सामान लीजिए, बट डोंट कंपेल द पुलिस पीपल, पुलिस ऑफिशियल, कि वो हमेशा आपको कहीं जी आप ये काम करो आप वो काम करो। एसपी फतेहाबाद मिस्टर राजेश कुमार हैं, तो मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि हम जनता उनके साथ हैं, मैं उनके साथ, डीसी हैं मिस्टर बांगड़, मैं उनसे, इट्स माय रिक्वेस्ट यू एसोसिएट द पीपल, जो देश के जो फतेहाबाद के जवान हैं, मीडिया पर्सन हैं, आप गांवों में जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, कितने लोगों को पता है सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, मेक देम अंडरस्टैंड, आप उनको समझाइए, आप उनसे सख्ती मत कीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, एक महीने के अंदर यही लॉकडाउन के केसेस यदि 1000 पॉजिटिव हैं, 10000 पॉजिटिव हैं, एक महीने में ये 5000 पे आ जाएंगे, खट्टा साहब मेरी गारंटी है, आप करके देखिए ऐसे। देन यू गो टू स्कूल्स, यू टेक दिस यूथ, बहुत बच्चे हैं आपसे जुड़ेंगे, इसको मास मूवमेंट बनाइए। ये सिर्फ गवर्नमेंट का, पुलिस का, प्रशासन का काम नहीं है, आम जनता यदि पुलिस प्रशासन सरकार को सहयोग करेगी, ये करोना तक पता भी नहीं चलेगा करोना कहाँ गया। सेकेंडली, जितने भी भाई बहन हैं, इसका सबसे बड़ा इलाज है प्रिकॉशन, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मीन्स सावधानी। इफ यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस, आई कैन गारंटी यू आपके पास करोना नहीं आ सकता। बट बी योर ओन डॉक्टर, आपको किसी डॉक्टर, सैगल सिविल हॉस्पिटल, सब बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यदि हम प्रिकॉशन ले लेते हैं, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के, हिंदुस्तान के किसी कोने में मेरे भाई बहन रह रहे हैं, प्रिकॉशन लीजिए, करोना होगा ही नहीं, जब बीमारी नहीं है तो इलाज की आवश्यकता भी नहीं है, तो सरकार का काम आसान हो गया, पुलिस का काम आसान हो गया, डीजीपी यादव है ये, उनको ऑर्डर पास करने पड़ रहे हैं, किसी एसपी को ये, दे आर नॉट सपोज टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू द डीजीपी, मे बी एसपी फतेहाबाद, मे बी एसपी हिसार, मे बी एसपी सिरसा, तो सहयोग कीजिए प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का, फायदा किसका है, आम जनता का। इफ आई एम यूजिंग ए मास्क, इफ आई एम एक्टिंग एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो खट्टर साहब का भी काम आसान हो जाएगा, एमएलए दोड़ाराम जी का काम भी आसान हो जाएगा, और किसी एमपी सुनीता दुग्गल को जनता के बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प द गवर्नमेंट, हेल्प मिस्टर मोदी एंड हेल्प मिस्टर खट्टर एंड हेल्प डीजीपी यादव ऑफ हरियाणा पुलिस। और कुछ? धन्यवाद सर स्ट्रीटमेल टीवी से जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों चलिए और लोगों से जानते हैं कि ये लॉकडाउन के बारे में क्या कहते हैं, आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्ट्रीटमेल टीवी में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर जैसे सरकार ने अभी लॉकडाउन लगा रखा है, तो आप इस लॉकडाउन को कितना सही मानते हैं? कुछ हद तक, पूरा पूरा नहीं। क्या कमी है इस लॉकडाउन में? कमी तो लोग बाजार में घूम रहे हैं, उनका कोई कंट्रोल तो नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? एक सिस्टम कली हो, किस टाइम तक फुल बंद हो जाने, संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए, या एक टाइम दे उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन हो। मतलब आपके कहने का मतलब है या तो लॉकडाउन पूरी तरह से हो या आधा अधूरा लॉकडाउन ना हो। किस सड़क पे बंदा दिखना ही चाहिए, भी इतना टाइम है, इस टाइम तक जो करना करो, उसके बाद अपने घर आओ बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी स्ट्रीटमेल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी हमने लोगों से बात करी वो सभी यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन या तो पूरी तरीके से हो या फिर आधा अधूरा लॉकडाउन ना हो। इस आधे अधूरे लॉकडाउन से जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इस कोरोना महामारी पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। धन्यवाद। दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहाबाद पुलिस के ओम प्रकाश जी,
तो इनसे हम चाहेंगे कि सर आप जनता से थोड़ी अपील करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसे अभी मंडी में मुझे नहीं लग रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो आप जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि दूरी बनाए रखें और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, वरना इसमें गवर्नमेंट यानी कि फाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है। इस महामारी को नज़र रखते हुए अपने को अपने परिवार को बचाने के लिए ही मास्क पहनना जरूरी है। जिस तरह मंडी में हम घूम रहे हैं, कोई कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति इस मंडी में काफ़ी भीड़, जिस तरह बताया जी भीड़ रहती है, उनको दूरी बनाए रखने के लिए किसी के कोरोना बीमारी लगी हुई है तो हम मास्क का प्रयोग नहीं करते तो उस बीमारी को घर लेकर जाएंगे, अपने को नुकसान, अपने परिवार को नुकसान और डॉक्टरों के चक्कर करना। हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। और सब्जी मंडी में हम चक्कर लगाते रहते हैं, ड्यूटी करते रहते हैं, भीड़ के टाइम भी दूरी बनाए रखें और मास्क पहने जी। सर जैसे अभी मास्क अभी मंडी में है तो मंडी में बहुत से लोगों के मास्क नहीं है, क्या आप अपनी वैन में मास्क वाली सुविधा भी रखते हैं कि किसी के पास मास्क नहीं है तो आप मास्क भी देते हैं? हाँ जी, हमारी गाड़ी के अंदर मास्क रखे हुए हैं जी, जिस व्यक्ति के पास कोई मजबूरी जाहिर करता है तो उसको मास्क भी देते हैं, अगर कोई नहीं मानने को तैयार तो उसको मास्क का चलान भी किया जाता है, जिसका जुर्माना उससे मौके पर ही 500 रुपये लिया जाता है जी। तो दोस्तों एक छोटी सी चीज़ है, मात्र 10 रुपये की चीज़ है, आप अपनी सावधानी के लिए ये पहनिए, बजाय पुलिस के चलान से बचने के अलावा आप अपनी सावधानी इस कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही ओम प्रकाश जी सभी से अपील कर रहे हैं और स्ट्रीट मेल टीवी भी आपसे यही अपील कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद सर स्ट्रीट मेल टीवी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, ओके सर। अब हम पहुँच चुके हैं फतेहाबाद के थाना रोड पर और यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से हम जानेंगे कि इस लॉकडाउन से इन दुकानदारों को क्या फ़र्क पड़ा है और ये इस लॉकडाउन को कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? उमेश बंसल। उमेश बंसल जी, जैसा कि अभी पता है आपको लॉकडाउन लगा हुआ है और आज सरकार ने और आगे बढ़ा दिया, 24 मई तक लॉकडाउन कर दिया, लगभग एक महीना ही समझिए, और अभी भी कोई पता नहीं है कि आगे लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। तो इस लॉकडाउन की वजह से मतलब आप दुकानदारों को क्या समस्याएं आ रही हैं, आप क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? समस्या सर ये है भी कि सारा तो जीटी रोड खुला है, सारी मंडी खुली है और कोरोना सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी दुकानदार हो, चाहे जीटी रोड का हो चाहे मंडी का हो, और कोरोना के लिए बाज़ार बंद होना भी ज़रूरी है, ये भी ठीक है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती भाई, 70% बाज़ार तो खुला पड़ा है और कुछ दुकानें बंद हैं, उनके खुलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो 2 घंटे सबको टाइम दे दो भाई, कोई आके अपनी सफाई कर जे, कोई जो भी अपनी दुकान पे 2 घंटे 8 से 10, 10 से 12 आना चाहिए। लेकिन फिर लोग कहेंगे भी बीमारी भी बहुत है, इसको खोलने की क्या जरूरत है। तो सरकार से यही है भाई, दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, पिछली बार भी किराए लोगों के काफ़ी लगे, मुलाजिमों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, वो भी देनी पड़ेगी। तो दुकानदार तो जी जब से कोरोना आया ना पीस ही रहा है, यही कहना चाहूँगा। तो चलिए, नाम? जोली सेठी जी। जोली जी, अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप कुछ सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे इस लॉकडाउन को लेकर दुकानदारों की तरफ से? ऐसा है जी, जिस तरह बाकी को 2-2, 3-3 घंटे दिए हैं, हमारे को भी शाम को टाइम दे दिया जाए 3 से 7, लेबर भूखी मर रही है। अब लेबर तनख्वाह मांग रही है, तनख्वाह कहाँ से दें उनको? 3.5 लाख रुपये एक दुकान का किराया है, कम से कम हमारे को भी 2 घंटे दिए जाएं जिससे हम भी अपना रोज़गार कर लें। अब मान लो लेबर आती है, खर्चा मांगती, कहाँ से दे खर्चा उनको? इसलिए हमारे को प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमारे को 2 घंटे टाइम दे दीजिए, शाम का टाइम खाली है, 3 से 7 हम खोल लेंगे। तो दोस्तों ये हैं दुकानदार और जानते हैं। नमस्कार सर। डॉक्टर महेंद्र मेहता। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी खूब फैली हुई है, तो इस महामारी के दौरान जैसे अब आप डॉक्टर हैं तो कुछ लोगों को कुछ सलाह मशवरा देंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? ऐसा एक तो मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंस बनाए रखें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन हर जगह करें ताकि एक दूसरे से ये बीमारी ना फैले। लेकिन जो असली बात है कि गरीब लोग जो है बहुत तंग हो रहे हैं, उनका जो जिनके पास गुलाबी या पीले कार्ड नहीं है उनको राशन का प्रबंध जो है वो सरकार करना चाहिए, सरकार को।
और जैसे दुकानें बंद हैं तो एक महीने का किराया जो है सरकार को माफ़ कर देना चाहिए, बिजली के बिल वगैरह एक महीने के माफ़ कर देने चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस हो सके। और जितने भी गरीब लोग हैं उनकी दवाई का व्यवस्था और राशन की व्यवस्था जो है की जानी चाहिए, लोग काफ़ी तंग हो रहे हैं। जैसे सरकार ने ऐलान किया है 3-3 महीने राशन जो है वो फ्री देंगे, लेकिन उनके पास गुलाबी पीला कार्ड ना होने के कारण जो लोग दर दर भटक रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपा करके ऐसी कमेटियां बना करके मोहल्लों में जाके और वो उनका छानबीन करके उनको राशन दिया जाए, चाहे उनके पास कोई भी कार्ड है, ताकि लोग भूख से ना मरें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे भाई भी कुछ बोल, अभी और हमारे दुकानदार हैं उनसे भी उनके विचार जानते हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सरकार कह रही है बाजार में रश ना करें, इकट्ठा ना हो। कल हिसार में खट्टर जी आए थे तो वहाँ पे इतना रश था, इतनी रैलियाँ होती हैं, तो क्या मुहूर्त करने के लिए अकेले खट्टर जी नहीं आ सकते थे? अब तो मुहूर्त करने की जरूरत भी क्या है, उद्घाटन ही करना है, कोई भी कर दे, आम आदमी कर दे, जरूरत थोड़ी है भाई मुख्यमंत्री को बुला के उद्घाटन करवाया जाए, इतना रश किया जाए, गलत बात है सर ये। यूँ तो सरकार कहती है रश नहीं करना, यूँ खट्टर जी को बुलाया जाता है भाई आओ उद्घाटन करो, उद्घाटन में कोई मेडल थोड़ी मिलना है सर, उद्घाटन ही करना है, कोई भी कर दे आके। मेरी तो सर यही राय है, बाकी सरकार के बारे में जी दुकानदारों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दुकानदार सर अगर मुलाजम तनख्वाह मांगते हैं, सर अगर सेठ ही नहीं कमा रहा तो किसको देगा? बेरोजगारी तो फैलती जा रही है, जीटी रोड सारा खुला है, अनाज मंडी सारी खुली है, फिर सरकार कह रही है बेरोजगारी भी हटाओ, कैसे हटेगी सर? थैंक यू सर। तो दोस्तों ये हमने सभी दुकानदारों की राय जानी, सभी दुकानदार यही चाहते हैं कि सरकार इनसे बात करे और कुछ टाइम इनको भी दे ताकि ये भी अपनी रोजी रोटी चला सकें, ताकि इनका परिवार भी भूख से ना मरे और सबको अपना अपना काम चलाने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम गुलशन कुमार। गुलशन जी जैसे अभी आपको पता है कि सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है और इस लॉकडाउन का जो असर है आम पब्लिक पे और जो पूरे हिंदुस्तान पे जो असर है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कितना फ़ायदा कितना नुकसान है इस लॉकडाउन का? जी बिल्कुल, वैसे तो सरकार जो भी करती है अपनी मनमर्जी से करती है, अपना हिसाब से सोच के करती है, पर हमारी एक राय है कम से कम व्यापार मंडल वालों को बीच में बिठाना चाहिए। जैसे दुकानें बंद कर रहे हैं तो कम से कम पूछ लें भी आप उसी हिसाब से बंद करें दुकानें, ताकि दोबारा किसी का भी बिजनेस प्रभावी ना हो, दिक्कत ना हो। अगर बंद ही करना है तो कम से कम व्यापार मंडल वालों की सलाह लेके करें ताकि कम से कम दिक्कत आए व्यापारियों को। आपने देखा होगा मतलब सब कुछ वैसे की वैसे ही चल रहा है, तो ना तो ज़्यादा व्यापार बंद हुए, तो इससे अच्छा क्या है कि सारी दुकानें खोल देनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो भी अभी तक इसका कोई पूरा पूर्ण रूप से इलाज तो है नहीं, तो कम से कम व्यापारी व्यापार को मार के आप इसका इलाज नहीं कर सकते। तो मेरा तो सरकार को सुझाव यही है कि आप इसको जितना हो सके मतलब दुकानें खोलने दो, बल्कि ज़्यादा टाइम बढ़ा दो, या फिर एक सुझाव एक और है कि मतलब वीकली लॉकडाउन लगा दो आप इसका, सप्ताह में 5 दिन बढ़िया काम करें, फुल काम करें, और 2 दिन बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें, किसी को भी घर से बाहर मत आने दें, ताकि लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहें। और यही तरीका है कि मतलब आप इसको लॉकडाउन से अपना व्यापार भी पूरी तरह कर लेंगे और बीमारी से भी निजात पा सकते हैं, अगर 2 दिन सारे आपने अपने घर रहेंगे तो। बहुत बढ़िया सुझाव दिया सर आपने। सर आपका नाम? अजय। अजय जी आप जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से अभी जैसे ये महामारी फैली हुई है, इस लॉकडाउन का इस महामारी पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, हमारी दुकान पे पूरा फर्क पड़ रहा है। हमारा तो कोई टाइम ही नहीं है स्पेयर पार्ट का, जो थ्री व्हीलर का स्पेयर पार्ट है उसका दुकान खोलने का कोई टाइम ही नहीं है, इसलिए वो लॉकडाउन खोलना चाहिए और हमारा सही काम चले। फिर लॉकडाउन अगर मान लीजिए लॉकडाउन सरकार खोल देती है और ये महामारी अगर उससे बढ़ेगी, इसका भी कोई आपके पास सॉल्यूशन है? आप कह रहे हो दुकान खोल दें, लेकिन दुकान खोलने के बाद जैसे भीड़ लगेगी, महामारी फिर से बढ़ेगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन आप दुकानदार के हैसियत से कुछ बोलना चाहेंगे? कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो यही है भाई, दुकानों का टाइम बढ़ा दे, अपने आप भीड़ कम हो जाएगी, जितना टाइम बढ़ेगा उतनी भीड़ कम होगी। अभी टाइम कम है तो लोग ज़्यादा आएंगे। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है, धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतने बढ़िया सुझाव दिए और मैं चाहूँगा कि ये सुझाव आपके सरकार तक पहुँचें और सरकार अगली बार लॉकडाउन अगर लगाती है तो कम से कम व्यापारियों से ज़रूर इसके बारे में विचार विमर्श करे और उसके बाद लॉकडाउन को लगाए।